गति, चाल और समय, भाग एक। नमस्ते दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि धरती घूम रही है, पर आप तो वहीं खड़े हैं। हमें पता है कि सड़क पर कई वाहनों की गति धीमी होती है और कई वाहनों की तेज, पर आखिर यह गति है क्या? आप सब जब सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरी तरफ जरूर देखते हैं, है ना? क्योंकि मैं आपको समय बताती हूँ। आइए इस वीडियो की मदद से हम गति, चाल और समय के संबंध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क, गति और चाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ख, चाल और समय का संबंध समझना। राम, कल तुम्हें पास वाले गांव के स्कूल में दौड़ में हिस्सा लेने जाना है। चलो जल्दी से सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे। अरे, इस घड़ी को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? बिल्कुल सही टाइम पर उठा देती है। काकी, शाम को बुला दीजिए, हमें जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। राम बेटा, शाम तो चला गया, भाग कर जाओ, वह अभी रास्ते में ही होगा। बस निकल जाएगी, दौड़ कर जाता हूँ। काश मेरे पास कोई हवाई जहाज होता तो मैं कितनी जल्दी पहुँच जाता। अरे, बस तो निकल गई, शाम तो उस बस में बैठा है। 7 बज गए हैं, शाम तो मुझसे पहले पहुँच जाएगा। अगली बस 10 मिनट में आएगी, लगता है मुझे देर हो जाएगी। शाम पहुँच गया होगा। अरे, यह क्या, उसकी बस तो अब आ रही है। अरे राम, तुम भी पहुँच गए? हाँ, बड़ी अजीब बात है, निकला तो मैं बाद वाली बस में, लेकिन तुझसे पहले कैसे पहुँच गया? लगता है तेरी बस तेज चल रही थी। हमारे गांव से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है और मैं 30 मिनट में पहुँच गया और तुझे 40 मिनट लगे। तो क्या इसका मतलब है कि तेरी बस ने 10 किलोमीटर की दूरी कम समय में तय की? हाँ, क्योंकि मेरी बस तो कहीं रुकी नहीं। मेरी भी नहीं रुकी। दोस्तों, तेज चलने वाले वाहनों की चाल या स्पीड अधिक होती है। दो या अधिक वस्तुओं में किसकी गति ज्यादा तेज है, यह जानने के लिए हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी जाननी होगी। इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए समय में चली गई दूरी हमारी सहायता करती है। तैयार है दौड़ के लिए राम? चल देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो बच्चों, मैं 3 से उल्टी गिनती करूंगा। 3, 2, 1। श्याम, मोहन रेस जीत गया, तू और मैं दूसरे स्थान पर आए हैं। तो यानी कि तू और मैं समान स्पीड से भागे। चल सर से पूछते हैं कि हमने कितना समय लिया। श्याम और राम, तुम दोनों ने 4 मिनट में दौड़ खत्म करी और मोहन ने 3.2 मिनट में। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी स्पीड तेज थी या राम की। दोस्तों, जब आपके स्कूल में कोई दौड़ की प्रतियोगिता होती है, उसमें एक शुरुआती बिंदु होता है और एक अंतिम। जीतता वही है जो उस दूरी को सबसे कम समय में तय करे। कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी चलती है, उसका पता इस बात से चलता है कि वह एक यूनिट समय में कितनी दूरी तय करती है। इसे उस गतिमान वस्तु की चाल या स्पीड कहा जाता है। तो आप किसी गतिमान वस्तु की स्पीड या चाल का पता इस बात से लगा सकते हैं कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा
लिया गया कुल समय। तो यदि श्याम और राम ने 100 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय की तो उनकी स्पीड या चाल क्या थी? बच्चों, किसी भी प्रतियोगिता में ये ज्यादा जरूरी है कि आप भाग लें। हार जीत तो चलती रहती है। लगता है कि स्पीड की वजह से ही आज सुबह मैं तुझसे पहले पहुंच गया, क्योंकि मेरी बस की स्पीड तेज थी। चल, घर जाते समय बस ड्राइवर से बस की स्पीड के बारे में पूछेंगे। ये देख राम, ये क्या है? इसमें से कैसी रेत नीचे गिर रही है? बच्चों, ये रेत घड़ी है। पुराने समय के लोगों के पास जब घड़ियां नहीं होती थी तो वे इसका प्रयोग करते थे। कितनी विचित्र बात है ना श्याम, कि पहले के जमाने में लोगों के पास घड़ियां नहीं थी। आजकल तो कितनी अलग अलग किस्म की घड़ियां हैं। जैसे हमारे सर के पास वो स्टॉपवॉच थी जिससे वो हमारे दौड़ने का समय नोट कर रहे थे। पहले के जमाने में और डूबने से समय का पता लगाते थे। याद है, हमने पढ़ा था कि जयपुर के राजा ने जंतर मंतर में धूप घड़ी बनवाई थी। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि घड़ियां सही समय कैसे बताती हैं। हमने पढ़ा था कि घड़ियां आवर्ती गति का उपयोग करती हैं, पर घड़ी तो कितनी छोटी सी होती है, उसमें आवर्ती गति होती कैसे होगी? ड्राइवर भैया, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस स्पीड पर बस चला रहे हैं? क्या हुआ बच्चों, क्या कहीं जल्दी पहुंचना है? नहीं, वो आज हम बस की गति का पता लगाना चाहते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि बस हमें कितनी देर में घर पहुंचा सकेगी। ये देखो बच्चों, वाहनों में ये यंत्र होता है जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं। ये बताता है कि वाहन की कितनी स्पीड है। जैसे अभी इस बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्राइवर भैया, अगर बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो वो एक मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है? अरे बच्चों, ड्राइवर भैया को ध्यान से बस चलाने दो। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अच्छा बताओ कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और तुम्हारा सवाल था कि बस एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना? दीदी, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर ये बस एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो इसका मतलब है कि एक मिनट में एक किलोमीटर तय करेगी। सही जवाब। क्या आप जानते हो कि मात्रक यानी यूनिट किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है? हाँ दीदी, समय का मूल मात्रक सेकंड है और बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। और चाल का मूल मात्रक क्या है? दीदी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, इसलिए चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, शाबाश। और इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक वर्ष में कितने घंटे? मैं तो बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। हवाई जहाज की स्पीड तो बहुत तेज होती है। और मैं बड़ी होकर गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन बनना चाहती हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि रॉकेट की स्पीड तो हवाई जहाज से भी तेज होती होगी। मैं तो इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अरे वाह, शाबाश बच्चों। तो दोस्तों, अगर एक बस या कोई वाहन धीरे चल रहा हो तो हम कहते हैं कि इसकी चाल कम है, और अगर वही वाहन तेज चल रहा हो तो हम कहते हैं इसकी चाल ज्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की चाल से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी धीरे या तेज चल रही है। अब हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं
की इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड आदि। जल्द मिलेंगे दोस्तों।